गुड मॉर्निंग कैसे हो साहब सर बहुत अच्छे चले जी तो क्या नाम है हमारे सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरा नाम है सीए ए पवनकर मिले और मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले आपस में मिल चुके हैं तो इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितने बच्चों को पढ़ाया हूँ मैं क्या पढ़ाऊँ मैटर नहीं करता सर कहाँ मिले यूट्यूब चैनल पे वहीं से आप आए हो मैं अच्छे से जानता हूँ बिना डैमो लिए तो आजकल सवाल ही पैदा नहीं था तो डैमो लिया होगा अब जो मैं एस पढ़ाने वाला हूँ तो जो आपने सुना है पहले मैं उसकी बात कर लूँ हाँ सर सर हमने सुना है कि बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट मतलब अगर फर्स्ट ग्रुप में कोई बचाएगा हमको तो एस बिल्कुल सही हंड्रेड परसेंट एस एफ एम ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसमें आप जबरदस्त स्कोरिंग कर सकते हो बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं सर सौ में से सौ वो सब बेकार की बात है एक आध बच्चे का आएगा सौ में से सौ और मैं प्रमोट करूंगा सौ में से सौ आया प्लीज बेकर तो बात करते हैं क्या ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है हंड्रेड परसेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट है सर कुछ लोग बोलते हैं इसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा जरूरी है मैथ्स के बिना मतलब आपका मैथ्स का नॉलेज होना जरूरी है बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आता है मेरे पास कि सर मैथ्स क्या है बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है क्या बिल्कुल भी नहीं मेरा मैथ्स में बहुत ही कम नंबर है टेंथ की मैं बात करूँ तो थर्टी मार्क्स है तो मैथ्स अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपको चल जाएगा मैथ्स कुछ भी नहीं आता बस प्लस माइनस आता है डिवाइड मल्टीप्लाई चलेगा चलेगा उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे मैथ्स में तो कैलकुलेटर कर लेता हमारा ठीक है तो मैथ्स की जरूरत नहीं है हम लोगों को सब्जेक्ट क्या स्कोरिंग है हां क्या सब्जेक्ट टेक्निकल है बहुत सारे फॉर्मूले फॉर्मूले तो है नो no डाउट फॉर्मूले है पर लॉजिक है हर फॉर्मूले का लॉजिक है और ये आपने यूट्यूब चैनल में देखा ही होगा कि मैं हर फॉल लेकर लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ और एक्चुअल में ऐसा है भी यार जैसे एक एक टॉप एक बात ले स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है हमने मैंने भी पढ़ा था एस एफ एम पढ़ने से पहले स्टैंडर्ड डेविएशन पर वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो पढ़ा एस डी उसका यूज सी ए फाइनल में होता है और फिर पता लगता है कि यार इसका प्रैक्टिकल यूज है ठीक है सर तो ये बात है दूसरी बात और बात करते हैं सर क्या बात कर दूसरी बात और समझ एच डी बीटा बीटा सुना है बीटा हाँ सर अल्फा बीटा अब जब हम बहुत एक जमाने में बचपन में कैलकुलेशन करते थे तो हमको ये नहीं पता होता था कि अल्फा क्या होता है बीटा के पास किया जा रहा है लेकिन यहां आकर पता लगता है यार बीटा का ऐसी आपने साइन थीटा और कॉस् थीटा पढ़ा होगा सर ये भी है कि यहाँ ये यहाँ नहीं है पर जब आपने पढ़ा तब आपको कुछ नहीं मालूम लेकिन इसका कहीं ना कहीं तो एप्लीकेशन होगा हाँ और यहाँ कॉस थीटा शाइन थीटा नहीं है लेकिन बस बीटा है अल्फा है स्टैंडर्ड एवियशन है जो आपने पढ़ा स्टैट्स उसका जबरदस्त यूज है तो सर हमको वो याद करना पड़ेगा कि वो कुछ नहीं करना है आपको आपने नाम भी नहीं सुना मान के चल रहा स्टैंडर्ड एवियशन का मैं मान के चलूंगा आपको कुछ भी नहीं आता है जीरो है जीरो सर सी एंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट होता था होता है सॉरी सर अगर वो हमको कुछ भी याद नहीं है तो चलेगा अगर आपको कुछ भी नहीं आपको डेट इक्विटी के डी के ई कैपिटल बजटिंग एनपीवी भी नहीं पता है। भी नहीं पता है, तो भी चल जाएगा आपको प्रेजेंट सर हमको प्रेजेंट वैल्यू वगैरह भी आइडिया नहीं है कुछ भी आइडिया नहीं है बताओ फाइनल में कैसे आ गए तो भी चलेगा सर इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो आपने सीए इंटर तक पढ़ा आपको आपने सीए किया ही नहीं है आप इंजीनियरिंग फील्ड से आकर बैठे हो मेरे सामने और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सॉरी इंजीनियर फील्ड कहो कि यार वो तो मैथ्स में स्ट्रांग है आप मान लो टेंथ क्लास के बच्चे और यहां बैठे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं बस ये मान के पढ़ा रहा हूं प्लीज जो एक्सपर्ट लोग हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा और एक बात है मुझसे कहा जाता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ स्लो पढ़ाता हूँ नो डाउट स्लो पढ़ाता हूं मैं खुद भी मानता हूं क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो सिर्फ इंटेलिजेंट जो जल्दी कैप्चर कर लेते वही बच्चे नहीं वो भी बच्चे हैं जिन्हें थोड़ा देर से समझ में आता है मेरी तरह मुझे भी देर से ही समझ में आता तो और जो एक्सपर्ट है जो जल्दी समझ जाते ऐसे भी बच्चे जिन्हें थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार स्लो चल रहा है थैंक गॉड फास्ट फॉरवर्ड है आप आगे बढ़ाते हुए देखते जाइए टाइम पास नहीं करते हैं नाम लिखते हैं और सब्जेक्ट का नाम लिखिए कि सर सबसे पहले यस सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और देखा जाए तो इसको हम क्या बोलते इसको बोलते हैं हम एस एफ सर ये नाम से क्या सीखने को मिल रहा है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है क्या मैंने जोश जोश में बोल दिया कुछ याद नहीं है तो भी चलेगा थोड़ा बहुत तो याद जरूरी है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा बहुत याद है सर एक कैपिटल बजटिंग चैप्टर होता था कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर होता था उसमें हम के ई के डी वगैरह एनपीबी वगैरह निकालते थे बहुत फाइनल लेवल पे हमें क्या पढ़ना हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही पढ़ना है पर उसमें हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे सर इसका मतलब बेटे यहां डिसीजन मेकिंग होगा डिसीजन इट मीनस आपसे जो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा आप मान लो सी साहब आप किसी कंपनी में और आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए स्ट्रैटी पूछा जाएगा कि बताइए क्या स्ट्रैटी एडॉप्ट करना है थोरिटिकल हो गया बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा साहब कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और इम्पोर्ट करते हैं बाहर से विदेश से माल मंगवाते हैं और हमारा बड़ी कंपनी है फॉरेन से माल गुड्स मंगवा रही है और प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह है कि डॉलर्स डॉलर dollar पेमेंट करना डॉलर का रेट बढ़ने वाला है फ्यूचर में बताओ क्या किया जाए स्ट्रैटेजी बताइए कोई दैट्स इट स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं है बस दिमाग चलाना कोई फॉर्मूला नहीं सब भूल जाओ फॉर्मूला वगैरह बस आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या करें और आपको बताना सिंपल जितना दिमाग चलाओगे उतना बता पाओगे बस इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा इस सब्जेक्ट के थ्रू हेल्प करूंगा कि यार अगर डॉलर का रेट बढ़ा तो क्या क्या स्ट्रेटजी एडॉप्ट किया जा सकता ठीक है सर सर ये तो सब सब्जेक्ट का मैटर है ये तो हो जाएगा एस एफ हमको समझ में आता है ये बताइए सर कि पेपर कितने नंबर का है सौ नंबर सौ नंबर का पेपर सर कितने क्वेश्चंस कितने आते हैं चलो ये भी डिस्कशन जरूरी है भाई तो अगर मैं कहूं क्वेश्चंस कितने आते हैं अभी हाल के सिचुएशन है पहला क्वेश्चन रहेगा दूसरा रहेगा तीसरा चौथा पांचवा छठवा छह क्वेश्चंस हो गए ठीक है ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये कंपलसरी होगा और हर क्वेश्चन बीस नंबर का होगा हर क्वेश्चन बीस नंबर तो हर क्वेश्चन बीस नंबर का तो एक बीस तो गया तो बचा कितना अस्सी मतलब इन बचे कितने पांच क्वेश्चन पांच बचे और पांच में से हमें चार ही अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है ठीक है सर पहला क्वेश्चन कंपलसरी है तो बचे कितने हमारे पास एक दो तीन चार पांच और पांच में से कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा चार एक क्वेश्चन ऑप्शनल कोई भी छोड़ना छोड़ सकते दिक्कत क्या है सर एक क्वेश्चन बीस नंबर का आता है कि बेटे ऐसा मैंने कब कहा क्वेश्चन जो आएगा वो जनरली जनरली बोल रहा हूं जनरली वो रहेगा आठ आठ चार इसका मतलब आठ नंबर का प्रैक्टिकल दूसरे आठ नंबर का भी प्रैक्टिकल ऐसा था वन ए वन बी वन सी वन ए आठ नंबर का वन बी आठ नंबर का वन सी चार नंबर का और ये जो चार नंबर का ये थ्योरी रहता है ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है तो सर हर हर जगह हर क्वेश्चन में आठ प्लस आठ प्लस, प्लस चार होता है एग्जैक्टली टू ए आठ टू बी पर जो लास्ट वाला है वो कौन सा होता है थ्योरी कभी कभी ऐसा आ गया है बारह प्लस आठ ऐसा भी आया हुआ है बारह प्लस आठ मतलब सर दो ही क्वेश्चन आए हाँ कभी कभी ऐसा भी हुआ दस प्लस छ प्लस चार पर ये कम होते हैं जनरली ये चलता आठ आठ चार और हर चैप्टर में थ्योरी होता है चार चार नंबर का थ्योरी मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो चार इंटू पांच सर बीस नंबर का थ्योरी कंपलसरी है हमको करना ही पड़ेगा हाँ यही तो एक दिक्कत है हम सी ए लोग के क्या हम सी ए लोग प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट होते हैं थ्योरी में थोड़ा सा दिक्कत होता है लिखने में हमें थोड़ा सा ना परेशानी होती है यार एक पैराग्राफ लिखो कौन लिखे भाई पैराग्राफ क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन तो सॉल्व करने में हम एक्सपर्ट ये दिक्कत है कि थ्योरी है कितने नंबर का चार चार नंबर का तो इसीलिए अब मुझे अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ा सा चेंज करना पड़ा पढ़ाने की और मुझे पूरा थ्योरी करवाना पड़ा आपको पूरा थ्योरी मुझे ही करवाना पड़ेगा आप खुद तो कुछ करेगा नहीं कि मैं बोलूंगा प्रैक्टिकल मैं करवा देता हूं थ्योरी आप कर लीजिए तो एक को पैसे किस चीज का ले रहे हो सर मैं ही करवाऊंगा थ्योरी भी मैं ही करवाऊंगा क्लासेस चलेगी कैसे क्लासेस चलेगी कैसे सुनूंगा ध्यान से पहले एग्जाम्पल्स सुनना ध्यान से बैठे पहले एग्जाम्पल्स में करवाऊंगा आपको हर कॉन्सेप्ट के पीछे की एग्जाम्पल रहेगा एग्जाम्पल लिखवाने में टाइम लगता था तो मैंने बुक में ही प्रिंट करवा दिया प्लीज कॉपी बनाओगे प्लीज कॉपी बनाओगे रजिस्टर बनाओगे सुंदर सा बना बनाया नोट्स में टिक करने से कुछ नहीं होने वाला है ठीक है सर एग्जाम्पल्स करवाऊंगा उस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल होगा फिर आ जाएगी हमारे क्लास वर्क क्वेश्चन ठीक है सर क्लास वर्क क्वेश्चन हो जाएंगे क्वेश्चन यहां आपको स्क्रीन पे दिख जाया करेगा मैं लिखूंगा नहीं क्वेश्चन नंबर ये उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको कि ये क्वेश्चन है बुक से आपको क्वेश्चन देख लो क्लास वर्क और फिर है होमवर्क क्वेश्चन टॉपिक वाइज है क्लास वर्क क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन हर क्लास के एंड में आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा जो आपको करना ही है किसी भी हालत में होमवर्क क्वेश्चन आपको दोबारा नहीं देखना है क्योंकि वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है इंपॉर्टेंट है क्लास वर्क क्वेश्चन और जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लास्ट में बुक के लास्ट में थ्योरी दिया हुआ है बुक के लास्ट में जो आपको करना भी आपको नहीं करना वो मैं करवाऊंगा सारा थ्योरी मैं करवाऊंगा टोटल कुछ थ्योरी जो मेरे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां लिखवाऊंगा मजबूरी है मुझे लिखवाना पड़ेगा कुछ थ्योरी कुछ थ्योरी जो न्यूमेरिकल के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो मेरे बुक के लास्ट में आपको मिलेगी वो मैं यहां डिस्कशन करवाऊंगा आपको एक एक चीज डिस्कशन करवाऊंगा टेंशन वाली बात नहीं तो इस तरह से हमारी क्लास चलेगी और कुछ भी चीज क्यों ना हो थ्योरी क्यों ना बुक में लिखी अगर मैं यहां थ्योरी लिखवा रहा हूं तो आपको लिखना ठीक है और टेस्ट पेपर ये कोशिश करूँगा टेस्ट पेपर भी बुक में डाल दूँ तो ज़्यादा अच्छा है ताकि आप टेस्ट भी सबमिट कर पाओ ठीक है सर ये पेपर का पैटर्न तो समझ में आ गया सर इसमें आप जो पढ़ाते हो आपकी जो बुक है उसमें क्या क्या कवर्ड है अगर मैं कहूँ सब कुछ तो चल जाएगा प्रैक्टिस मैनुअल कवर सर न्यूज सिलेबस में प्रैक्टिस मैनुअल कहाँ से आ गई साहब ओल्ड सिलेबस की जो प्रैक्टिस मैनुअल है ना उसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं इसलिए पूरा प्रैक्टिस मैनुअल जो आपके लिए रेलिवेंट है ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल उठाकर आपकी बुक में डाल दिया गया जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बुक ठीक है सर और सर और बोलिए आर कवर होना ही था एम टी पी कवर्ड है होना ही था पास्ट ईयरस के क्वेश्चंस कवर्ड है ठीक है कुछ क्वेश्चंस काफ़ी कुछ क्या लगभग पूरे क्वेश्चन मैंने सीएमए की बुक से भी डाल रखा है जनरली वहाँ से आते हैं कुछ क्वेश्चन सी एफ ए बुक से उठा रखा है कुछ क्वेश्चन सी एस के बुक से उठा रखा मतलब लगभग मैंने कोशिश ये है हमारा तो पूरा कवर्ड है बाहर के भी क्वेश्चन लिया है क्यों बाहर के क्वेश्चन क्यों लिया क्योंकि इंस्टीट्यूट हमारे साथ खेल खेल रहा है लिमिटेड क्वेश्चन है हमारी बुक में और ऐसे तो कवर्ड वो नहीं है लिमिटेड क्वेश्चन है तो वो क्या करता है कि बाहर का क्वेश्चन उठाकर डाल देता है और हम फंस जाते हैं यार ऐसा क्वेश्चन तो हालांकि कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन बनना ही बनना है पर बोलते हैं सर ये क्वेश्चन तो था नहीं हमने बना लिया इसलिए मैंने बहुत कुछ डालने की कोशिश किया सर इससे इसके अलावा कुछ करना है क्या है हिम्मत तो कर लेना ठीक है बहुत है भाई इतना पढ़ते पढ़ते थक जाओगे सर क्लास लगभग कितने घंटे लग की होगी लगभग 230 घंटे की क्लासेस होगी लगभग बोल रहा हूँ आगे पीछे भी देखना पड़ेगा ठीक है तो स्टार्ट करें यस बात किसकी कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना क्या क्या है कितने चैप्टर हैं मैं थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कशन करेंगे उसका नाम रहेगा डेरिवेटिव्स अब सुनो पहली बात सर हमारा जो स्टडी मटेरियल है क्या उसमें भी फर्स्ट चैप्टर डेरिवेटिव्स है नहीं टोटल मिलाकर फोर्टीन चैप्टर्स है फोर्टीन चैप्टर्स में यहां पढ़ाऊंगा पर उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ाऊंगा जिस सीक्वेंस में स्टडी मटेरियल में डला हुआ है वजह वजह बस इतनी सी है देखो यार मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूं जनरली हम क्या करते डेरिवेटिव अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे थोड़ा सा या फिर अपने दोस्तों से तो वो आपसे यही कहेंगे कि यार डेरिविट्यू ना थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है मुश्किल चैप्टर बोल सकते हैं और मुश्किल चैप्टर इसलिए उसको लास्ट में लेते हैं भाई पहले ही ले लो ना यार डेरिवेटिव जो होगा देखेंगे लास्ट में जब होता है ना लास्ट में तो टीचर भी भगाने की कोशिश करता भगाओ 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 वैसे भी मुश्किल है भगा दो ना यार बच्चों को वैसे ही समझ में नहीं आना है साहब पहला ही चैप्टर डेरिवेटिव है जो होगा देखिएगा आता ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है फिर क्यों छोड़े तो सर जी पहला ही चैप्टर में डेरिवेटिव पढ़ाता हूं मुश्किल काम पहले ही कर लो जिनको अगर मुश्किल लगता है यकीन मानना अगर आप डेरिवेटिव ध्यान से सुनते हैं मेरी चीज बातों को ये चैप्टर से मजा किसी और चैप्टर में नहीं आएगा बेहतरीन लगेगा कि यार कुछ किया करके डेरिवेटिव में मुश्किल चैप्टर है लोगों का ऐसा मानना है पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है पहला चैप्टर डेरिवेटिव ध्यान से काम करोगे हो जाएगा अच्छा छोड़ना मत यार किसी की बात तो मैं आके चलो यार डेरिवेटिव बाद में करेंगे पहले कोई दूसरा उठाएंगे तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा मैं दूंगा दूंगा ही पहले यही यही सिर्फ चैप्टर जब तक ये नहीं मैं नहीं करोगे आगे सर इसमें है क्या Actually, मैं बता आखिर ये क्या है वैसे तो पूरी डिटेल जानकारी आपको चैप्टर के अंदर मिलेगी पर सुनो मेरी बात सुनो बेटे जब मैं था ना यार मुझे ऐसा बताया जाता था जब मैं सीएम पहुंचा तो शेयर मार्केट में लोग बर्बाद हो जाते हैं शेयर मार्केट सट्टा मार्केट होता है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यार शेयर मार्केट को सट्टा मार्केट क्यों बोल रहे हैं शेयर खरीदना है शेयर बेचना है, बात खत्म इसको सट्टा मार्केट कैसे बोल रहे हैं यार कोई भी चीज खरीदते हैं बेचते हैं हम लोग तो ये सट्टा मार्केट कैसे हुआ डायरी बैठू और जब फाइनल में आया तो मुझे असली पिक्चर समझ में आई कि कौन शेयर खरीद रहा है और कौन शेयर बेच रहा है यहां तो ना शेयर खरीद रहा है ना तो बेच रहा है तो हो क्या रहा यहां शर्त लगाई जा रही है कि यार कोई कह रहा है शेयर का प्राइस बढ़ेगा कोई कह रहा है शेयर का प्राइस कम होगा चलो लगा लो एक मार्केट और जिसमें सट्टा लगाया जा रहा है अच्छा ये हाँ और उसी को उसने इंग्लिश में नाम दे दिया डेरीवेटिव बस हाँ सर इसका मीनिंग तो कुछ और ही इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग ऐसे जो पढ़ चुके हैं ना वो ऐसी ऐसी डेफिनेशन ना वहां मिलना ना चैप्टर में डेरीवेटिव मैं डिस्कस करूंगा तो वो सट्टा खेला कैसे जाता है वो मुझे यहां सिखाना फिर से बोलो शेयर खरीदना बेचना नहीं है शेयर पर बैटिंग कैसे लगाती है? कभी आईपीएल में बैटिंग लगाया है क्या अगर लगाया है तो बस हो गया खत्म आपका चैप्टर खत्म हो गया वही मैं सिखाने वाला कि सट्टा कैसे लगाया जाता है इस चैप्टर के अंदर सर इसमें सीरियसली ऐसा हाँ भाई सीरियसली आपको मजाक लग रहा आ जाओ चैप्टर में समझ में जाएगा ओके सर सर उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा हमारा क्या होता है जनरली हमारा चैप्टर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट ये होता हमारा दूसरा चैप्टर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट ये भी डेरिवेटिव है सर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ होता क्या है यार जैसे जैसे मैं कंपनी हूं मैं कंपनी और मैंने किसी बैंक से लोन लिया करोड़ों रुपए एक हजार करोड़ रुपए सर इतना लोन हाँ एक हजार करोड़ रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मान लो मैंने इंटरेस्ट ले लिया ट्वेल्व परसेंट पर इंटरेस्ट पे लोन ले लिया है एक हजार करोड़ रुपए ठीक मुझे कितना परसेंटेज देना पड़ेगा बारह परसेंट मान लो दो साल बाद ऐसा हुआ कि मार्केट में रेट सारी बैंक ने मैंने किसी और पार्टी से लिया चलो ठीक किसी पार्टी से लिया बैंक बोलूंगा तो आप बीच में आ जाओगे कुछ और बोलोगे मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट दस परसेंट हो गया ऐसा कम हो गया ओहो और मुझे कितना देना पड़ेगा बारह परसेंट रिस्क है कि नहीं है, है। मैंने किसी से उधार लिया है ट्वेल्व परसेंट पे जब दो साल हुए तो पता लगा आरबीआई ने रेट कम कर दिया तो सारी बैंक्स ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया पर मैंने जो एग्रीमेंट कर लिया था वो तो कितने परसेंट पे किया था बारह परसेंट पे रिस्क है है डर है है कि डर ये है कि मैंने जिस रेट पर लिया है मैंने तो ज्यादा पे ले लिया साहब और एग्रीमेंट हो चुका है तो उस डर से क्या उस रिस्क से क्या बचा जा सकता है बचा जा सकता है और उस रिस्क को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है उस रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है मैं आपको यहां समझाऊंगा ठीक है ओके सर बाकी तो और बहुत सारी बातें कर सकता हूं मैं कि लाइबोर होता है फ्लोटिंग रेट होता है फिक्स रेट होता है पर यहां उन सारी बातों का कोई महत्व नहीं है तो मैं अभी यहां बात नहीं करूंगा तो ये काम मैं यहां करने वाला हूं इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हम इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ रहे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट अच्छा चैप्टर है ठीक है सर सर और कौन सा थर्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हालांकि फॉरेक्स पढ़ना चाहिए पहले पर चलो ठीक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर ये पोर्टफोलियो क्या होता है पता नहीं क्या होता है पोर्टफोलियो पर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मुझे आंसर देना मैं हूँ राम अच्छा राम मेरा किरदार रहेगा पूरे पिक्चर में मेरे पास करीब 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 करीब, करीब 40 लाख ,00 रुपया था अब मैं सोच रहा हूँ इस 40 लाख ,00 को मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ और मैंने कहा चलो यार शेयर मार्केट में जाते हैं और मैंने सारे चालीस लाख रुपए के रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेस कर लिए किसकी बात कर रहा हूं मैं राम और एक पर्सन है जिसका नाम है श्याम ठीक है सर श्याम के पास भी चालीस लाख रुपए थे पर उसने कहा यार मैं इसमें से दो लाख रुपए के रिलायंस के शेयर खरीदूंगा और चार लाख रुपए के टिस्को अच्छा और दो लाख रुपए के अंबुजा सीमेंट और दो लाख रुपए बैंक में जमा कर देता हूं और चार लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं और मैंने पूरा चालीस लाख का रिलायंस में और इस श्याम भाई साहब ने अलग अलग जगह पे से बताओ बेटे किसका फंड मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा है राम का या फिर श्याम का सर श्याम का ना हाँ, क्योंकि उसने एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं किया उसने पोर्टफोलियो बनाया उसने डाइवर्सिफाई किया उसने अलग अलग जगह फंड को लगाया इट मींस फंड का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए मैं यहां बताऊंगा इट ये जो पोर्टफोलियो बनाया है क्या इसने सही पैसा लगाया या इसको शेयर मार्केट में थोड़ा सा कम लगाना था ज्यादा बॉन्ड्स में लगाना था बैंक में ये सब करना कैसे किया जाए जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो वो मैं यहां सिखाऊंगा अच्छा सर सर एक बात तो समझ में आ गई कि अलग अलग जगह पैसा लगाना खत्म ना यार ये ये क्या पढ़ाओगे इतना सारा बेटे चालीस क्लासेस है इसमें हालत खराब हो जाएगी और विश्वास नहीं होगा मजा जाएगा इसमें मैं बहुत कुछ समझाऊंगा कि किस कि शेयर में पैसा लगाए किस बॉन्ड्स में पैसा लगाए शेयर कितने रुपए लगाए बॉन्ड्स में कितना पैसा लगाए बैंक्स में कितना पैसा लगाए और किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाए दिस इज नामजी फाइनेंशियल मैन अच्छा आगे चलते हैं सर और बताइए ना इसके विषय में अभी कहा अभी आओ ना चैप्टर्स पे आओगे तो मैं आपको समझाऊंगा और एक चैप्टर है म्यूचुअल फंड नाम तो सुना होगा म्यूचुअल फंड हाँ सर म्यूचुअल फंड तो सुना है हमने नाम बहुत ऐड आता है होता क्या है म्यूचुअल फंड क्या होता है म्यूचुअल फंड क्या होता है जैसे पब्लिक है पब्लिक पब्लिक आप लोग आप पब्लिक ही हो ओके okay, सर आप भी तो पब्लिक हो ना सर हम मे भी पब्लिक हूं आप भी पब्लिक तो एक आम इंसान के पास ना यार वो ड्यूटी जाता है आठ से पता नहीं दस से आठ जॉब और उसके बाद फैमिली अब उसको और भी इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में तो वो भाई साहब शेयर मार्केट में वो कैसे करेगा यार कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे कौन सी कंपनी के नहीं खरीदे और खरीदे तो शेयर सस्ते में तो मिलते नहीं इतना पैसा आप कह रहे हो कि सर अलग अलग कंपनी के शेयर खरीदो भाई मेरे पास सिर्फ रुपए कहां से अलग अलग कंपनी के शेयर खरीद लूंगा मैं ऐसा थोड़ी ना कि शेयर आधा शेयर उसका खरीद लिया एक शेयर उसका ऐसे तो नहीं चलेगा ना ये प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम क्या थी सुना प्रॉब्लम एक ये प्रॉब्लम थी कि सामने वाले का उतना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है कि वो पैसा कहां लगाना किस शेयर में लगाना कौन सा खरीदना कौन सा नहीं खरीदना ये कैसे डिसाइड करेगा दूसरी प्रॉब्लम थी उतना फंड नहीं है कि अलग अलग जगह पैसा लगा दें तो हमने कहा यार एक काम करते जुगाड़ मैं बीच में इधर कंपनी है ढेर सारी मैंने पब्लिक का पैसा लिया और इन पैसों को मैंने अपना दिमाग चलाते हुए अलग अलग कंपनी में डाइवर्सिफाई कर दिया तो वो एक पर्सन का जो दस हजार रुपए था ना वो दस हजार भी अलग अलग कंपनी में लग गया मेरा नाम क्या है म्यूचुअल फंड मुझे क्या नाम दिया जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड और कुछ नहीं है मैं क्या करूंगा उनसे लूंगा पब्लिक से पैसे बदले में उनको एक रिसिप्ट दे दूंगा जिसको आप शेयर बोलते हैं जिसको यूनिट्स और मैं कहता हूं मैं, तो मैं लगाता हूं ना आपका पैसा और पूरी पब्लिक का पैसा इकट्ठा करके मैंने कंपनी में लगाया शेयर मार्केट में लगाया अपना दिमाग यूज करके हालांकि मेरा नाम क्या हो जाएगा म्यूचुअल फंड हो जाएगा वही कुछ होगा वो मैं समझाऊंगा वहां इस चैप्टर को पढ़ते वक्त ठीक है सर आगे चले सर यस इसके बाद और एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा फॉर एक्स वाओ ये मेरा सबसे अच्छा चैप्टर है बिल्कुल मजा जाता है और इतना मजा आएगा इसमें कि अगर मैं अभी यहां समझाने बैठू यहां समझाना स्टार्ट करूं तो पता लगा पूरी क्लास इसी में लग जाएगी इतना मजा आएगा सर फॉरेक्स का फुल फॉर्म तो बता दो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे में लिखा होगा फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता फॉरेक्स नाम अच्छा है सर इसमें जनरली क्या होता है रिस्क फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट बटे जनरली ये ये जो चैप्टर है कहां काम आना है वाला आप अगर ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हो जो कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करती हैं जहां उन कंपनी को फॉरेन करेंसी पेबल है या रिसीवेबल है अगर हमको फॉरेन करेंसी में पे करना हमें डॉलर में पे करना आज नहीं आज से तीन महीने बाद हमें डॉलर में पेमेंट करना है तो यार टेंशन तो आ जाएगी टेंशन किस बात की क्योंकि हमें डॉलर खरीदना पड़ेगा आज नहीं खरीदना पड़ेगा आज तो खरीद के रख ही नहीं सकते तीन महीने बाद सर आज क्यों नहीं खरीद सकते छोड़ो ना यार यही बात करेंगे क्यों नहीं खरीद सकते पर तीन महीने बाद खरीदना तो डर तो है रिस्क तो है किस बात का डर कहीं सर डॉलर का रेट बढ़ ना जाए हां अगर वो डॉलर महंगा हो गया तो साहब फिर तो हम पर बात हो जाएगी जो डॉलर आज सत्तर रुपए का मिल रहा है तीन महीने बाद वही अस्सी रुपए का मिलेगा तो यार दस रुपए तो एक्स्ट्रा गया तो कि, कि सर उसको आप रोक सकते हो कि हाँ मेरे पास टेक्निक है बढ़ जाने दो अस्सी हो जाने दो सौ हो जाने दो मुझे फर्क पड़ेगा ही नहीं मैं तीन महीने बाद कुछ ऐसा जुगाड़ करूंगा कि डॉलर आज के ही रेट पे पड़े ये कुछ मैं रिस्क मैनेज करना सिखाऊंगा ऐसे इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बाकी वहां डिटेल में तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट में हम जो करेंसी में फ्लक्चुएशन होता है ना उससे जो डर है हमको जो रिस्क है उसको हम मैनेज करना सीखेंगे ठीक हर चैप्टर का मैं फिर से बोल रहा फाइनल लेवल पे ये बात बोलनी नहीं चाहिए कि सर हमारा डीटी काम आएगा फ्यूचर में बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स काम आता है सर आईडीटी भी काम आएगा जीएसटी सर एफ भी काम आएगा ऑडिट तो काम आना ही आना है सर ये 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 सब्जेक्ट कहीं काम आएगा कि नहीं आएगा कैसी बात कर रहे हैं यार ये सब्जेक्ट काम नहीं आएगा तो हो गया फिर तो ये तो शेयर मार्केट है पूरा की पूरा ये शेयर मार्केट है फॉरेक्स एक्स ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है साहब आप इसको हल्के में नहीं ले सकते और स्कोरिंग अलग है ठीक है कितने हो गए पांच चैप्टर अब लिखोगे चैप्टर नंबर सिक्स फोर्टीन आना चाहिए यार सर डेरिवेटिव इंटरेस्ट पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड फॉरेक्स आगे लिखोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल मेरे साथ साथ लिखते जाओगे ठीक है मैनेजमेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर ये क्या होता है ओवरव्यू दे दीजिए दैट्स इट होता क्या है यार जैसे हम कैपिटल मिस्टिंग पढ़े हो ना हाँ सर कैपिटल बस्टिंग तो पड़े कैपिटल बस्टिंग में होता क्या था हम प्रोजेक्ट में पैसा लगाते थे हाँ और उससे उसको बोलते थे हम कैश आउटफ्लो और फिर पैसा मिलता था उसको क्या बोलते थे कैश इनफ्लोस और फिर उसको हम डिस्काउंटिंग करते थे और एन पी निकालते थे अगर एन पी पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट एन नेगेटिव आया तो रिजेक्ट यही तो पड़ा था इस बार भी पैसे लगाने पर इस बार इंडिया में पैसा नहीं लगाना इस बार आपको अब आप बड़ा सोचो ना बेटे बड़े हो गए तो बड़ा सोचते हैं इस बार आपको जो पैसा लगाना वो विदेश में लगाना मान लो आपको यूएस में पैसा लगाना तो पैसे जो लगाओगे वो रुपया थोड़ी लगाओगे क्या लगाओगे डॉलर और जो आएगा वहां से वो क्या आएगा डॉलर्स आ जाएगा कि फ्यूचर में आएगा फ्यूचर में आएगा एक साल में कुछ डॉलर आएगा और उस डॉलर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में थोड़ा वो भी एक टेंशन है किस रेट पे कन्वर्ट होगा इट मेन्स सर मैं पूरी स्टोरी नहीं समझा सकता बस आपको इतना बोल रहा हूं इस बार प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं लगना इस बार प्रोजेक्ट लगना आउटसाइड इंडिया बस उसी का नाम क्या कर लिख दिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा सर बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में बस यही है कि अगर आप आउटसाइड इंडिया और ऐसा होता है क्या हाँ बड़ी बड़ी कंपनी तो बाहर भी पैसा लगाती है तो पैसा लगाती है तो इवेल्युएशन तो देख करना पड़ेगा ना यार कि हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए सेवन okay, सर so, इसके अलावा कौन सा चैप्टर है पहले प्रैक्टिकल चैप्टर की बात कर लेते फिर उसके इसके बाद चलते सिक्योरिटी एनालिसिस सिक्योरिटी एनालिसिस सिक्योरिटी एनालिसिस है क्या शेयर खरीदना है मान लो एक, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो मुझे हाँ रिलायंस का शेयर खरीदना है तो आप कैसे पता लगाओगे कि, कि हमको रिलायंस का शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा कि आखिर हम क्या देखेंगे कि हमें इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए अब आप लोग दिमाग चला रहे सर बैलेंस शीट देखेंगे गुड सर कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे कुछ और भी बच्चे बोल रहे हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे कि प्रॉफिट कमा भी रही है कंपनी के नहीं कमा रही है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप अब मैं आपसे कुछ एक चीज़ बता रहा हूं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सर ध्यान से ये लो भाई सर ये क्या बनाया बीच में आपको बनाना नहीं है पता लगा आप भी यहां बनाना स्टार्ट कर दिए मैं आपको कुछ काम की बात बता रहा हूँ मैं आपसे बोल रहा हूँ मान लो यहाँ लिखा है शेयर का प्राइस बीस रुपए चालीस रुपए अस्सी 10 रुपए सौ रुपए ग्राफ का भी बनाया ना और यहाँ लिखा है डेस पहला दिन शेयर का प्राइस कम था दूसरा दिन थोड़ा सा बढ़ा मतलब ग्राफ ऐसे जा रहा है हाँ सर हालांकि इसको चार्ट नाम दूंगा मैं जब करवाऊंगा तो हुआ क्या बेटे ग्राफ ऐसे गया बड़ा 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 फिर कम हो गया फिर बड़ा बड़ा ये देज ये चलते जा रहा है फिर थोड़ा सा कम हो गया फिर बड़ा 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 और फिर थोड़ा सा कम हो गया और अभी थोड़ा सा घूमा है टर्न हुआ है थोड़ा सा ग्राफ टर्न हुआ है और मैं कहाँ खड़ा हूँ मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ और टर्न अभी ऊपर हुआ है अब मैं क्या सोच रहा हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार शेयर का प्राइस बढ़ता है काफ़ी टाइम तक फिर थोड़ा सा गिरता है फिर बढ़ता है फिर थोड़ा सा गिरता फिर बढ़ता फिर थोड़ा सा गिरता और अभी टर्न हो चुका है ऊपर साइड बताओ क्या होने वाला शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है या कम होने वाला आगे सर ये तो कुछ भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी किस बात की ज़्यादा सर बढ़ने की ना यार तो चलो भाई एक काम करते हैं मैं यहां शेयर खरीद लेता हूं खरीदा वाकई बढ़ा फिर क्या हो गया थोड़ा सा गिरा जैसे ही थोड़ा सा टर्न हुआ थोड़ा सा टर्न हुआ तो मैं क्या करूंगा यहां क्या कर दूंगा सेल कर दूंगा फिर घुमा फिर क्या होने वाला है बढ़ने वाला फिर क्या करूंगा क्या मैं सस्ते में खरीद रहा हूं यस yes. क्या मैं महंगे में भेज दूंगा यस yes. क्या मैं प्रॉफिट कमा लूंगा हाँ प्रॉफिट कमा लूंगा और फिर ऐसी होते जाएगा अगर बाई चांस एक आध बार ये क्या हो गया मैंने शेयर खरीदा और एक आध बार ऐसा डाउन भी हो गया तो लॉस एक आध बार हो सकता है लेकिन भाई बार बार जब ऐसा हुआ तो आगे भी ऐसा ही तो होगा हाँ सर क्या मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं सस्ते में खरीद सकता हूं महंगे में बेच सकता हूं हाँ कौन सी कंपनी का शेयर सर पता नहीं कैश फ्लो देखा क्या नहीं फंड नहीं प्रॉफिट नहीं। कर लिया कि खरीदना है करके दिस इज एनालिसिस और यही मैं पढ़ाऊंगा आपको सिक्योरिटी में तो एक हल्का एक सा आइडिया दिया हल्का सा आपको तो मजा आ जाएगा जब आप सिक्योरिटी पढ़ोगे ऐसी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं कि हम में तुरंत आइडिया हो जाएगा कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है पर इसके लिए आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा तो यह क्या चीज है सिक्योरिटी एनालिसिस आपको पढ़ना है पर क्या है यार अभी ना मैं ओवरव्यू दे रहा हूं ठीक है सर तो ओवरव्यू में मैं बहुत सारी बातें करना तो चाहता हूं पर टाइम का प्रॉब्लम है तो बहुत सारी बातें कर नहीं सकता क्योंकि मान लो सिक्योरिटी एनालिसिस ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है ठीक है सर आगे चले तो ये कुछ मैं यहां समझाऊंगा और एक बात करूंगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन हां जो आप बोल रहे हो ना सर हम बैलेंस शीट देखेंगे हम ईपीएस देखेंगे ईपीएस समझ रहे हो ना अर्निंग पर शेयर सर हम ये देखेंगे कि कंपनी कितना डिविडेंड देती है हम उसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं बिल्कुल ये सब देखोगे पर यहां वैल्यूएशन यहां करूँगे इट मीनस मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा यहां बिना ईपीएस वीपीएस देखे भी डिसाइड कर सकते हो कि शेयर खरीदना चाहिए पर यहां हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे वाकई यार ये मैंने कब बोला कि नहीं देखेंगे देखेंगे पर वो एक तरीका है वो तरीका मैं यहां सिखाऊंगा कि ईपीएस को देखकर डिविडेंड को देखकर हम सिक्योरिटी का वैल्यूएशन करके सिक्योरिटी सिक्योरिटी मतलब शेयर शेयर वगैरह की वैल्यू निकाल के फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए वो पढ़ेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन सर इसका मतलब है कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लगभग अभी जो भी बात समझ में आ रही share market है हमको सब शेयर मार्केट से रिलेटेड है हां जी यही तो मैं बोलना चाहता हूं खुश हो जाओ और ये शेयर मार्केट में तो मजा आने वाला है सर तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी दोगे कि आप हमको दिखाओगे कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है आप बेकार की बात मत करो आप कितनी फीस दे रहे हो आप दे रहे हो पता नहीं कितना जो भी फीस रेट होगा मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ जो भी फीस दे रहे हो आप क्या प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए दे रहे हो प्रैक्टिकल नॉलेज दो दिन में आ जाएगा साहब ऑडिट 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 पढ़ते हो ना पास हो जाओ साहब पास मेरा काम है आपको पास करवाना मैं आपको लालच नहीं दूंगा मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा क्या करोगे दो दिन में ट्रेडिंग सिखाओगे पास हो जाओगे क्या ऐसे ना जाने कितने ब्रोकर के फ़ोन है जो मेरे पास आते हैं बहुत एक्सपर्ट है भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके सामने पर क्या वो सी ए है नहीं पहले सी ए बन जाइए उसके बाद जो करो ना करो बहुत टाइम सी ए बनो सी ए डिग्री की वैल्यू समझो सर लेकिन ना क्लासेस का मजा तो तभी है ना जब प्रैक्टिकल नॉलेज है करवा दूंगा यहां नहीं करवा मेन क्लास मेन कोर्स में नहीं होगा उसके लिए अलग से दो तीन घंटे की क्लास अलग से जो कि इ क्लास करके मैं पहले ही दूंगा उस समय वो कर लेना यहां तो बस काम की चीजें होगी एक भी चीज फालतू नहीं होगी ठीक है सर इसके बाद चैप्टर नंबर नाइन और चैप्टर नंबर नाइन में हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन हालांकि ये पहले अकाउंटिंग में हुआ करता था ओल्ड क्वेश्चन में भी होता था यहां भी हम यहां क्या करेंगे हम यहां कंपनी की वैल्यू निकालेंगे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एक्चुअली ये मर्जर का हिस्सा कहना अच्छा है मर्जर अगर हम किसी कंपनी को खरीदने वाले हैं हाँ जी बिल्कुल सही अगर हम किसी कंपनी को खरीदने वाले हैं तो सर जी उसकी वैल्यू तो निकालो आप कितना पैसा देना है ये तो निकालो कि उस कंपनी की वैल्यू है कितनी अगर उस कंपनी की वैल्यू आपकी वैल्यू निकालिए इस बार शेयर खरीदने की अगर सिर्फ शेयर की वैल्यू शेयर खरीदना है तो शेयर की वैल्यू निकालिए वैल्यू का मतलब समझ रहे हो ना वैल्यू और प्राइस अलग अलग है सर प्राइस कैसे पता लगता है शेयर का जो कि मार्केट में है स्टॉक एक्सचेंज से पर वैल्यू मैं खुद निकालता हूं कि इस चीज से मुझे कितना फायदा है मैं यहां कंपनी की वैल्यू निकालूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि मान लो किसी कंपनी की वैल्यू निकली एक हजार करोड़ रुपए फिर बार्गेनिंग होगी मैं एक हजार करोड़ से ज्यादा देने को बिल्कुल तैयार नहीं होगा क्योंकि मेरी नजरों में उस कंपनी की वैल्यू कितनी एक हजार करोड़ से ठीक है बाकी डिटेल में वहां डिस्कशन होगा कॉर्पोरेट वैल्यूएशन टेन मर्जर एंड एक्विजिशन मर्जर हाँ, सर ये मर्जर अमल गांधी क्या होता बेटे यहां देखा जाए तो सबसे इजी चैप्टर है मर्जर एन अमल गमेशन ठीक है ओके सर अब मैं आपको बता रहा हूं वहां जो पढ़ा था सी एंटर में वहां पढ़ते थे आप एंट्रीज अमलगमेशन हो गया होता था दो कंपनी के बीच में और बुक्स में उसके अकाउंटिंग एंट्रीज क्या करनी होती थी ये पढ़ते थे वहां यहां क्या पढ़ना एस एफ एम में हमें तो यहां ये यह पढ़ना है कि हमें सामने वाली कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहिए कि काम नहीं करना चाहिए That's it. हमें सामने वाली कंपनी को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए अच्छा मतलब हमें सामने वाली कंपनी का इवेल्युएशन करना है पूरी तरह से कि इसको खरीद लेते हैं इसके साथ हम मर्ज हो जाते हैं तो हमें फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा और जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें फायदा मिलेगा और मर्जर हो गया तो उसके बाद अकाउंटिंग वाले का काम स्टार्ट होता है अकाउंटिंग वाले का काम सेकेंडरी है डिसीजन तो हम लोग हम लोगों को लेना ना भाई साहब कि मर्जर करे कि नहीं करे तो ये चैप्टर मैं आपको यहाँ सिखाऊँगा इसके बाद बस प्रैक्टिकल चैप्टर की मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल लगभग ये सब इंपॉर्टेंट सब है इसके बाद लगभग थ्योरी चैप्टर स्टार्ट होते हैं थ्योरी में चैप्टर नंबर इलेवन रिस्क मैनेजमेंट सर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब इसमें वार भी है लिखवा देता हूँ नहीं तो कहोगे सर वार कहां है And value at risk. है, पहली क्लास चल रही है इंट्रोडक्शन रिस्क मैनेजमेंट का मतलब इतना समझ लीजिए सर कि हम कोई भी बिजनेस करते कोई भी बिजनेस करने वाले होते तो हमें करना कि उसको करने में क्या क्या रिस्क हो सकता है अगर बिजनेस फेल हो सकता है तो क्या क्या ऐसी चीजें जिस पे हमको फोकस करना है मतलब मतलब हम ये देखते हैं कि दूसरे लोगों ने बिजनेस बंद किया तो उसकी वजह क्या वो वजह ढूंढी है वजह क्या है वजह जैसे नोकिया आपको पढ़ाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट में नोकिया नोकिया याद है नोकिया हाँ सर याद एक फोन हुआ करता क्या वो बंद हो गया हाँ सर मतलब बंद तो नहीं हुआ लेकिन बंद जैसा ही है बंद होगा सोचो अच्छा सर हां बेटे रिस्क है अगर आप जो बिजनेस कर रहे हो आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो फ्यूचर में वो टेक्नोलॉजी यूजलेस हो जाए फिर क्या करोगे तो ये सब अगर आप उधार माल बेचते हो लोगों की दुकानें बंद हो गई अगर मैं देखूं मेरे एरिया की बात करूं तो मेरे एरिया में बहुत सारी दुकानें खुलती है और बंद हो जाती क्यों हो जाती है तो क्योंकि लोग उधार माल बेच देते हैं ये भी एक रिस्क है कि लोग उधार बेच देते हैं पैसा ही नहीं रहता तो ये सब रिस्क रिस्क मैनेजमेंट करवाऊंगा मैं आपको थ्योरिटिकल है मैं फिर से बोलना थ्योरी इसकी थ्योरी आती है भाई अच्छा सर जगह ही नहीं आपके पास तो फिर कैसे करोगे है ना बेटे मैं मैनेज करता हूं चैप्टर नंबर ट्वेल्व स्टार्टअप इंडिया सुना है स्टार्टअप इंडिया खूब चल रहा है स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप फाइनेंस स्टार्टअप फाइनेंस सर इसका मतलब इसका मतलब साहब आप बिजनेस खोलना चाहते तो पैसा कहां से आएगा सर बैंक से ले लेंगे बैंक जाओ नया बिजनेस खोलना चाहता हूं मैनेजर साहब प्लीज़ मुझे लोन दे दीजिए भगा देगा नए बिजनेस वालों को नहीं मिलता हाँ बात तो सही है कहां से लाओगे पैसा सर पैसे कहाँ से लाएंगे हाँ रुक जाओ ये मैं करवाऊंगा ना पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से किया जा सकता तो कुछ दिमाग तो चलाएंगे ओके ये कहाँ पड़ेगा स्टार्टअप फाइनेंस नाम ही लग रहा है अभी क्या करना अभी तो अब तो जगह चाहिए और जगह के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा मजबूर हूँ सॉरी ऊपर मत देखना सीधा यहाँ देखो थर्टीन इसके बाद पढ़ोगे सिक्योरेटाइजेशन सर ये थ्योरी तो ये इंटर में थी वहाँ एक टॉपिक था थ्योरी यहाँ बहुत डिटेल में एक चैप्टर है सिक्योरेटाइजेशन और फिर डिटेल में यार वही बात करेंगे ना ज़्यादा अच्छा और लास्ट फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजी है मैं एक ही नाम लिख रहा हूं फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजी पूरा नाम है यह चैप्टर नंबर वन है आपके यहाँ है ना आपके स्टडी मटेरियल में यह चैप्टर नंबर वन है मेरे लिए चैप्टर नंबर लास्ट होगा टोटल थ्योरेटिकल है अब एक बात और समझ लो अगर आपके एग्जाम में थ्योरी आती है अगर एग्जाम में थ्योरी आता है या आती है जो भी सुनो अगर थ्योरी आती है तो इन्हीं चार चैप्टर से आएगी इस बात की 90 परसेंट गारंटी है इन्हीं चार चैप्टर से थ्योरी आने वाली सर so 90 परसेंट मतलब दस परसेंट दस परसेंट क्या है इधर से भी आ सकती है और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं करवा नहीं रहा हूं मैं तो सभी का थ्योरी करवा रहा हूं पर साहब अगर थ्योरी रट्टा रट्टा तो हम ऐसे भी नहीं मारते रटना तो हमें आता नहीं पर हमें थ्योरी अच्छे से बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है तो इन चार चैप्टर्स की थ्योरी बहुत अच्छे से तैयार करोगे बहुत अच्छे से इनके लिए तो सेपरेट बुक ही दूंगा मैं और बाकी चैप्टर भी मैंने कभी नहीं कहा कि मैं थ्योरी नहीं करवाऊंगा चैप्टर के लास्ट में थ्योरी डली हुई है जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा साथ में जब मैं आपको नोट्स बनाऊंगा उसमें थ्योरी अलग लिखवाऊंगा प्लीज़ साहब मैं जानता हूं आपको थ्योरी में मजा नहीं आता बोर हो जाते हो पास होने के लिए मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको बोर ना होने दू पास होने के लिए थ्योरी पढ़ना भी हमारे लिए जरूरी है बीस नंबर मायने रखता साहब ओके सर सा। तो बस इतना है हमारा एस एफ एम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो सर पहला चैप्टर क्या है पहला चैप्टर वैसे तो है हमारा डेरिवेटिव डेरिवेटिव सभी को करना है उसके बाद फिर आप कोई भी चैप्टर उठा लो चाहो तो ये उठा लो ये उठा लो ये कोई भी उठा लीजिए पर डेरिवेटिव पहले करोगे उसके बाद आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो फॉरेक्स कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता ओके okay, सर पर आप पहला चैप्टर कौन सा करोगे डेरीविट्यूज ठीक है सर पर से एक... अब सुनोगे सुनोगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं जब मैं पढ़ाता हूं ना यार जब फेस टू फेस तो वहां ना मैं होता हूं फिजिकली तो जब फेस टू फेस पढ़ाता हूं तो अब कुछ शब्द होते हैं जिसका यूज यहां भी है यहां भी है इस भी चैप्टर में इस भी चैप्टर में इस भी सब चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज है तो अब मुझे यह समझ में नहीं आता हालांकि मैं फिर से एग्जाम्पल के तौर पर बोला हूं बीटा मुझे बीटा पढ़ाना है डिटेल में बीटा बीटा पढ़ाना और बीटा कहाँ पढ़ाना सिक्योरिटी वैल्यूशन बहुत लंबा जाएगा चार पांच क्लासेस लगेगी बीटा समझने में पर उस बीटा का थोड़ा सा यूज यहां जाता है डेरिवेटिव में अब दिक्कत, दिक्कत यह है कि मैं डेरिवेटिव में रुक जाता हूं क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है पढ़ाऊंगा कब यहां तो सब पहला चैप्टर ये स्टार्ट कर देते अगर जब मैं पहला चैप्टर ये स्टार्ट करता हूं तो एक शब्द आता ऑप्शन थोड़ा सा ऑप्शन पर ऑप्शन कहाँ ऑप्शन यहां है यह ये दिक्कत है अच्छा सर हां बेटे यहां सिक्योरिटी वैल्यूएशन अगर मैं इसको पढ़ाता हूं तो थोड़ा थोड़ी चीज इसकी आती है अब मैं और बताता हूं और थोड़ी सी बहुत फौरेक्स, फौरेक्स में डॉलर वगैरह डिटेल में पढ़ना है डॉलर वगैरह पर कभी कभी डॉलर यहां आ जाता है तो अब मैं फंस गया हूं कि चैप्टर कौन सा स्टार्ट करे साहब समझ में नहीं आता तो मैंने कहा एक तरीका है और दूसरी दूसरा दूसरी बात और सुनो बच्चों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरे चैप्टर्स में यूज है पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारा कोई चैप्टर नहीं है तो मैं उसको क्यों पढ़ाऊं मेरे मन में क्योंकि कोई चैप्टर ही नहीं है भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता तो फिर हमने कहा यार पर बच्चों को याद है कि नहीं है ये भी तो दिक्कत है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जेट टेबल इसको बोलते हो उसका यूज है यहां पर यहां अगर मैं जेट टेबल समझाने जाऊं तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है तो हमने एक एक डिसाइड किया कि एक अलग से बेस वार्म अप हो जाए आपको आपको आइडिया हो जाए तो मैंने एक चैप्टर डिजाइन किया है जो कि एस स्टडी मटेरियल का चैप्टर नहीं है जिसका नाम दिया मैंने बेसिक ऑफ और फाइनेंस और बेसिक ऑफ और फाइनेंस में छोटी छोटी टाइम वैल्यू ऑफ मनी एन क्या है एक्चुअल में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है हालांकि आपको आता है बीटा क्या होता है सेंसेक्स क्या है निफ्टी क्या है थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए ना यार तो उसी के लिए मैंने वो चैप्टर डिजाइन किया है ज्यादा क्लासेस नहीं है उसमें चार पांच पांच क्लासेस होगी मैक्सिमम वो करना जरूरी है सर मैं फिर से कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता तो साहब मैंने वो चैप्टर डिजाइन किया है चार पांच क्लासेस है पांच क्लासेस तो आप क्या कीजिएगा चाहे आप कोई भी चैप्टर पहला तो ये उठाना डेरिवेटिव करने से भी पहले एसएफएम स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक ऑफ फाइनेंस करना ही पड़ेगा ओके सर उसकी कोई बुक नहीं है अच्छा उसकी कोई बुक नहीं हाँ कोई बुक नहीं बस आपको कॉपी में नोटिंग करनी है उसके बिना ना इन चैप्टर को छू नहीं पाओगे आप ठीक है सर उसकी कोई बुक नहीं है कैलकुलेटर चलाना सीखना कैलकुलेटर चला कुछ बच्चे बोलते हैं हम तो एक्सपर्ट है कैलकुलेट कैसे एक्सपर्ट है ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया नहीं है आपको कैलकुलेटर की चीज़ें नहीं मालूम अगर कहाँ गया कैलकुलेटर है क्या मेरे पास चलो छोड़ो अभी नहीं है मैं बात कैलकुलेटर में ना बहुत सारी चीज़ें हैं एम यू होगा आपके कैलकुलेटर में देखो 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 एम यू एम यू क्या यूज है उसका सर हमको आता कुछ बच्चों को आता होगा तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमको नहीं आता वो मुझे चलाना सिखाना है कि कैलकुलेटर का यूज कैसे किया जाए करके ठीक है सर बहुत सारी बातें होगी तो सर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि स्टार्ट कहां से करोगे बेसिक ऑफ फाइनेंस उसके लिए बुक्स की आपको जरूरत नहीं है आप लिखना स्टार्ट कर रजिस्टर बनाइए बिना रजिस्टर और रजिस्टर ऐसा बनाइए क्लास वर्क मवर्क क्लासवर्क जो होगा उसमें जो मैं लिखवाऊंगा वो रहेगा एग्जाम्पल रहेगा और क्लासवर्क क्वेश्चन रहेगा होमवर्क क्वेश्चन को अलग कीजिए होमवर्क क्वेश्चन का रजिस्टर ही अलग बनाइए और वो बस प्रैक्टिस के लिए उसके बाद उसको छोड़ दीजिए आपके लिए वो क्लास वर्क नोट्स ही काम आने वाले वही क्वेश्चन काम आने वाले होमवर्क क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं डाला है रिपीट तो क्वेश्चन डाला है फिगर चेंज करके क्वेश्चन डालते गए हैं क्वेश्चन कोई भी बहुत एग्जाम्पल मेरे द्वारा बनाए हुए हैं लेकिन क्वेश्चन मुझे द्वारा बनाए हुए नहीं है सब आपके स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल आर टी पी एम टी पी यहां से उठाए हुए तो भगवान का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ फाइनेंस और फिर जब हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर क्या स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव्स जहां भी प्रॉब्लम आएगी जहां भी तो मुझे व्हाट्सएप करोगे इस नंबर पर छोटी सी भी प्रॉब्लम रहेगी तो डबल नाइन डबल सेवन डबल टू थ्री फाइव डबल नाइन इस नंबर पे मुझे सबसे पहले व्हाट्सअप करोगे और मैं आपको रिप्लाई करूँगा किसी भी हालत में रिप्लाई करूँगा किसी भी हालत में ठीक है छोटा सा भी डाउट हो सीधा और अगर आपको तो प्रॉब्लम है तो सीधा फ़ोन कर लेना भाई व्हाट्सअप भी छोड़ो ना यार और एक फैसिलिटी सीधा फ़ोन करो एक बार फ़ोन किया अगर मैं कहीं नहीं उठा पाया तो मैं कॉल बैक करूंगा अगर मैं उठा लेता हूं और बिजी भी रहूंगा तो मैं कहूंगा ठीक है मैं आपको शाम को कॉल करता हूं आप सीधा कॉल कीजिएगा व्हाट्सअप व्हाट्सअप छोड़ो सीधा सीधा व्हाट्सअप भूल जाते हैं एक्चुअली तो मिलते हैं अगली क्लास में और स्टार्ट कहाँ से होगा बेसिक्स बेसिक बेसिक्स हो सकता थोड़ा सा बोर लगे यहाँ से मजा आएगा पर बेसिक्स करना ज़रूरी है यार हमारी मर्जी बाकी फिर आगे बातें होती रहेगी ठीक है जी ओके बाय बाय कल 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 मिलते हैं